अभी घर आ गए हैं और घर की तो हालत खराब है, हमारी देख के खराब हो गई है। अभी साफ सफाई बहुत कुछ करना पड़ेगा। किचन का हालात देखिए क्या हो गया, सब अगल बगल में घर बन रहा ना। बुक करना पड़ेगा। तो दोस्तों घर में कुछ नहीं है, ना आटा, ना चावल, ना दाल, ना सिलेंडर, कुछ नहीं है। और भूख इतनी तेज लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए ले, वही सुबह जो ब्रेकफास्ट किए थे वही। और मम्मी हमारे पास दिल्ली में एक भगवान है, जानते हो कौन से? जोमेटो भगवान, जिनसे खाना मंगाते हो ना आ जाता है। हाँ, तो ये लोग मंगवाए हैं जोमेटो से खाना, उसी को खाने गुजारा करेंगे। आप पहले तो इतना गंदगी देख के, इतना घर में कचरा हुआ है कि दिमाग घूम रहा है। तो सबसे पहले तीनों को, दोनों को धोऊंगी, उसके बाद घर को धोऊंगी। वाह मम्मी वाह। यहाँ पर हमने मंगाई है, क्या मंगाई है भाई? बिरयानी मंगाई है। तो बिरयानी मंगाई है सस्ते में, अच्छी अभी आएगी ना, तो 5 मिनट में मंगाए हैं ना, करके पास किए ना हमने, उससे मंगा ली फट से आ गई। तो हम लोग भाई खाना वाना ऐसे ही खा लेंगे, फिर आपको रात में दिखाते हैं क्या काम हम बहुत सारा करना है। भाई लक्की ने यहाँ पे मंगाया है, क्या मंगाया लक्की भाई? शाही पनीर रोटियाँ। हम सबको रोटी खाना बहुत जरूरी है। और ये क्या, ये भी शाही पनीर है? हाँ, तो दो मंगाई है ना, दो शाही पनीर है। ललित भाई पूरे दिन शाही पनीर कहते रहते थे मुंबई में, खाओ भाई शाही पनीर। तो आप लोग भी दोस्तों आ जाइए दिल्ली में, पहला खाना जोमेटो का। तो अभी खाना वाना खा लिया है और अभी हम लोग करेंगे आगे का काम, घर की साफ सफाई और सब्जी वब्जी लेना है। और लक्की यहाँ पे सिलेंडर बुक कर रहे हैं। कर रहे हैं साफ सफाई, इस तरफ भी हो रही है, करते हैं अभी पूरा साफ करना है। 5 स्टार ढूंढे हो घर, अब देख लो झड़ावना बना रही है, घर झाड़ने का निंजा टेक्निक। ताज का ख्वाब देखने वाले इंसान, देखा मुंह है ना, खुल नहीं रहा है, मुंह दिखावा है ना, इसको ऐसे कपड़े से बांध देते हैं। हाँ, कपड़ा से चाहे जीता के फीता से बांधो। रूम रसी है नहीं है, दे दो, मास्क भी है। मम्मी लाइट ने ढूंढ के जीता का फीता है, ये तो पहले ही आ गया है। दिखा लो भाई, सब करते हैं अपने घर में। अपने पापा को कह रही थी ये लोग साफ सफाई नहीं किए हैं। पहन लो जब भी हम लोग आते हैं तो साफ सफाई करनी पड़ती है। यहाँ ऊपर की तरफ का जितना जाला था साफ कर दिया, बस अभी थोड़ा बहुत इधर का करना है। यहाँ पे सोफा वा लगा दिया, अभी साफ कर रही है। इस तरफ पापा लगे हुए हैं साफ सफाई में, अब मैं और लक्की ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले रूम की सफाई करनी है क्योंकि यहाँ का मोटा वाटी हो गया है। और मम्मी ने यहाँ पे पूरी साफ सफाई कर दी है, पूरा साफ हो गया है। और मैं यहाँ पे लेने गया था अपनी बुक्स, मेरी बुक्स आ रखी है 1 महीने से और मैं 1 महीना लेट हूँ। रहने भर के अब बनाना, दरवाजा ठीक करवाया था ना। हाँ हाँ, तो इतने आराम से बंद हो रहा है, अभी आप देखोगे ना कितने कैसे बंद होता था। और पापा यहाँ पे हीट छिड़क रहे हैं, बहुत घर में गंदगी मच्छर। मम्मी ना ये ना ऐसे करते हैं लोग, किसी को कोई खुश नहीं है। मम्मी तो दोस्तों रहने लायक घर बना लिए हैं, अब कल सुबह नहाए नहीं, मुंह हाथ धो लिए, ठंडा लग जाएगा, नहीं तो रात हो गया साफ करते करते। तो हम तो अच्छे मुसीबत का सफाया कर दिए हैं, ये तो घर है, घर कम से कम है ना, जब घर नहीं था तब क्या हाल होता था। कितने साल बाद इस रूम में आई हो? 2 साल हो गया ना, 2 साल बाद आई हो, आपको गिफ्ट दूँ? हाँ, देने वाला तो बहुत पहले था पर आप ले नहीं पाए, आपके पास काश गिफ्ट लिया है। हाँ, बहुत अच्छा गिफ्ट है, दूँ? जो पापा ने आपको एक टेन दिया था इसी कलर का है। पापा ने आपको दिया था ना, अलमारियां तोड़ देना सका है, सारा सामान के बर्बाद कर देना काम रहा है। अच्छा, अरे यार मम्मी वैसे ही लगता है कि सामान बर्बाद कर देते। देखो मम्मी इसी कलर का खरीद के लाया, देख रहे हो? इसी का बच गया तो मम्मी बनवाया, इसी का बच गया तो बनवा दिया मम्मी। कहां से लाया? हां,
बस गया तो आया था मेरा वीडियो देख लेना व्लॉग 50,000 सब्सक्राइबर इसीलिए नहीं हुए मेरे अभी तक दिखा देखो प्यारा है लकड़ी का है ना लकड़ी का है कैसे और 8 घंटे चलता है वो भी लगातार यहां से बजेगा तो यहां से ऑन कर दो कहां से देखो अच्छा है करो पे कर ले वन टू विन द जॉय म्यूजिक वर्ल्ड आवाज चैनल डिवाइस इज रेडी टू पेयर ब्लूटूथ मोड अब देखो यहाँ पे ब्लूटूथ मोड है AUX मोड FM मोड ब्लूटूथ मोड आपके लिए FM भी है गांव आपको ले जाना ठीक है ये अब देखो ब्लूटूथ इससे कनेक्ट करता हूँ अब रुको गांव के लिए सही मड़ई में अच्छा लगेगा मैं कौन सा गाना बजाऊँ अच्छा है कौन पे कर दे रहा है रुको तो संगमरमर का है अब सर्दी में इतना छोटा सा एफएम दिए थे एक टेप रिकॉर्डर दिए थे उस टाइम फिलिप्स का आया करता था इतना छोटा यार आज तो इंग्लिश सीख के रहूंगा एक मिनट रुक जाओ अब देखो ये है मम्मी और हमारे जनरेशन दोनों का गाना मिक्स करके बनाया है ठीक है आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन एकदम पूरा मिक्स करके 90s और अभी के गाने मिला के मम्मी कितने का होगा ये 8 घंटे चलता लगातार महंगाई के जमाना है 400-500 का तो होगा ही मारो भाई मेरे को कोई 200 रुपए का तो कवर नहीं आता है तो कितना कर लिया 750 रुपए का वो भी होलसेल रेट पे तो 200 रुपए कमा लिया तेरे से अच्छा वो अच्छा वहां से लेकर आया हूँ 10,000 का सामान लिया था इतना महंगा आता है हाँ ऐसे दो लिया हूँ एक आपके लिए अपने लिए खाली साउंड बॉक्स है ना हाँ रेडियो भी है ऑक्स भी है इसीलिए महंगा दिया है और सुनो पापा के लिए भी एक लिया हूँ पापा मूवी भी देखते हैं ना तो उस पर फोन लग जाएगा और पापा आराम से अपनी मूवी देखते रहेंगे ठीक है पापा गए सब्जी लेने क्या अंजलि मिस कर दिए साढ़े 4-5 बज गए घर जाते आते झाड़ू लगा के ऊपर आते बुआ का कॉल आया अभी पापा आ गए हैं और पापा सब्जी वब्जी लेकर आए हैं पापा गए थे सब्जी लाने सारी सब्जियां पापा लेकर आए हैं बैगन आलू गोभी धनिया प्याज टमाटर आटा चावल भी नहीं था कुछ भी तो नहीं है अच्छा आटा चावल नहीं लाया अभी आटा चावल भी लाया हो ना ये अच्छा और लगे कुछ रह गया था क्या सुनो तो खीरा रह गया पापा खीरा है तो लाए हो और हाँ पापा इधर आओ आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ पापा के लिए अलग से गिफ्ट है मेरे पास इधर बैठो मेरे पापा के लिए लक्की के पास कुछ स्पेशल गिफ्ट है तिजोरी में रखा है क्या ऊपर अरे ऊपर ही सारा स्टॉक कोई गिफ्ट लाया बाप के लिए क्या गिफ्ट होगा ये क्या है साउंड बॉक्स है अच्छा ये लक्की ने कर देगा अंजलि हाँ मम्मी के लिए लाया था ये बिहार ले जाने के लिए अच्छा क्या लाया भाई बस है कुछ कुछ चीजें अच्छा कोई सामान अमन पर लाया है करोल बाग से सर करोल बाग अरे हाँ करोल बाग का ही है भाई रखो सुनो पापा साउंड चैम्बर रेडियो लग रहा है रेडियो नहीं है अरे बहुत तगड़ा चीज है पापा एफएम है रेडियो भी है लाइट भी है इधर लाइट भी है ये पापा के लिए मैंने ढूंढ के लिया है देखो इससे ऑन होगा पापा यहाँ पे पीछे एक बटन होगा ठीक है मेमोरी कार्ड लगा सकते हो बैटरी का मैं उसकी बहुत दिन हो गया ना उसको बड़े मेरे तो साउंड चैम्बर नाम से आ गया इसे कनेक्ट कर लो और उसे बजा जा सकते हो ठीक है मतलब मेमोरी कार्ड सब कुछ लगा के वैसे ही लगा सकते हो गाना बजा सकते हो अब देखो क्या करना है यूट्यूब पे जाओ और लिखो मूवी देखो खोलो
इसमें चलेगा क्या? नो बैटरी चार्ज इधर ही अपना फोन लगा लो ठीक है तो ऐसे करके अभी इसको नीचे करना पड़ेगा जब फोन लगाओगे देखो आपके लिए थैंक यू अब सुनो मूवी देख लोगे ठीक है कहीं बाहर जाना है कोलाई में नो बैटरी प्लीज चार्ज भाई अभी चार्ज नहीं है अब देखो क्या करना है आपको यहाँ से दबाओगे ना इसे दबा के रखोगे तो लाइट जल जाएगी देखो रात में कहीं जाने वाने के लिए इतनी लाइट है कि आपको दिखेगा देखो देख रहे हो सही है ना लाइट इतनी लाइट है कि आपको दिख सकेगा कि हाँ कहीं भी कैसे जाना है हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग राम राम जी तो देखिए आज हम ना दिल्ली में पहला दिन क्या बनाने वाले हैं वैसे तो अभी साफ सफाई बहुत है लेकिन कल भी खाना नहीं खाए थे रात को भी नहीं खाए तो आज गोभी आलू का सब्जी बनाएंगे लाला जी रात को सब्जी लेके आए थे ये देखना झोला में सब्जी अभी रखना है फ्रिज में फ्रिज को भी साफ करना है बच्चे सब इधर बर्तन रखे हैं अभी देखिए बर्तन सब रखे हैं लेकिन फिर भी गंदा हो चुका है तो सब बर्तन को भी धोना है और आज हम सोच रहे हैं क्या बनाएं जो बच्चे बोलेंगे रोटी बोलेंगे तो रोटी बनाएंगे चावल बोलेंगे तो चावल बनाएंगे लेकिन गोभी का सब्जी बनाने वाली हूँ मटर तो नहीं मिला गोभी आलू बना दूँ क्या तो आप लोग देख लीजिए हमारे यहाँ कैसा सुबह होता है यही है हमारा खोली गाड़ी ठीक कराने उनका BMW ख़राब हो गई है 2 साल से रखी अब लाला जी का BMW दिखाऊंगी आपको लक्की का फरारी भी लेके गए हैं चला जाता हूँ तेरे धुन में अब सफाई करना है आ गए लाला जी गाड़ी ठीक करवाए पसंद ठीक हुआ कि नहीं देखती हूँ ये देख रहे हैं सारा बर्तन तोड़ तार के पेन तोड़ तार के चाकू तोड़ तार के सब रख दिया मेरे को सब ठीक कराना पड़ेगा यहाँ पे ललित शेक बना रहा है खाना तैयार हो गया है दोस्तों आज बड़ा मुश्किल से खाना बना पाए हैं साफ सफाई करते हुए लक्की जा रहा अपना कॉलेज तो लक्की के लिए खाना निकाल देती हूँ सब्जी चावल बनाई हूँ ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ दाल भी नहीं बनाई हूँ गोभी आलू का सब्जी है तो सब्जी चावल और सलाद काटी हूँ लक्की देख रहे हैं यहाँ पे सब कुकर उकर सब ठीक करवा रही हूँ सुबह सुबह भैया आए हैं तो भैया को पूछे कि चूल्हा सर्विस कराना है बोले चूल्हा सर्विस कराना है लेकिन गांव में है तो हंस रहे हैं मैं पूछी गांव कब जाओगे तो हंस रहे हैं कब जाओगे गांव जाएंगे अब अगले महीने जाएंगे तो फिर चूल्हा ठीक कर दीजिएगा मेरा ठीक है कर देंगे भैया से पूछे कि मतलब दिल्ली में क्यों भाग के आ जाते हैं गाँव से ये भी गाँव से है तो बोल रहे हैं शहरों में काम मिल जाता है अच्छा गांव में सब चूल्हा जलाते हैं तो उतना काम नहीं मिलता है अगर खर्चा 200-300 रुपए का चूल्हे में हुआ ना तो गांव में बोल देते नहीं भैया अभी हम इससे काम चला रहे हैं लकड़ी के चूल्हे से सब बाद में बनवाएंगे फेंक देते पर अभी टांड पे टांड पे फेंक देते हैं ना सही बोल रहे भैया कुकर को चेक कर रहे हैं सीटी नहीं मारा अगर आप फोन करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि चूल्हा भी गड़बड़ है तो चेक करवाती हूँ और देखिए यहाँ पे चला रहा हूँ देख रहे हैं कैसे करके जला रहे हैं आप लोग बताइएगा हमको तो समझ नहीं आया कि लीक है कि क्या है भगवान जाने ऐसा नहीं कर रहा है बंद है तो नहीं कर रहा बंद है तो बंद पर क्यों करेगा जब चालू कर दोगे जब ही तो करेगा चेक करवा रहे हैं काम करने वाला दोबारा आता नहीं है नहीं हाँ सही बोल रहे हो तो भैया यहाँ पे देखिए चूल्हा स्टार्ट करेंगे पता है तो मेरे को फंसा दिए टूट गया फिर लेने गए फिर हम लोग वेट कर रहे हैं लाला
पापा जी ऊपर वेट कर रहे हैं, हम नीचे नीचे वेट कर रहे हैं, हम ऊपर चेक करवाएंगे लीकेज है कि नहीं है। ठीक है वो तो आप जानो, मैं तो देखूंगी कैसे जल रहा है कैसे नहीं जल रहा है। ये लो यहाँ से लीकेज था पहले आपका, दिखाओ तो। ये लो देखिए अब नहीं चल रहा है, इसको बंद करके जला रहे हो? किसको बंद करके जला रहे हैं? ये देखो ये खुला हुआ है। देखिए कुकर चेक हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों का लंच हो गया है। लंच में हम लोग सब्जी रोटी बनाए हैं, बच्चे नहीं हैं खा लेते। प्रियांशी आज देखिए हमारे घर प्रियांशी आई है और पता है क्या बोल रही है जी, आंटी मैं आपको ना छोले भटूरे का वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बोले चलो खा लो आज घर पे। जब तनी पूछ लूँगी ना बोलेगी देखियो देखा था वीडियो अच्छा लगा, क्या देखा? छोले भटूरे चाय, चाय छोले भटूरे चाय भटूरे चाय छोले भटूरे आप भी खाओगे छोले भटूरे? चलो ठीक है आपके लिए बनाएंगे। हाँ मम्मी तुम्हारी बनाएगी, हमें भी खाओ, मेरे घर नहीं खाओगी, खाओगी ना? तो चलो अभी ओट्स खाएंगे हम लोग। खिचड़ी खाती हो? खिचड़ी खाती हूँ, खाती हो खिचड़ी? खाती हो ना? मैं भी खाती हूँ। अंजलि पूछी कि प्रियांशी बड़ी हो गई है तो कैसे बोल रही है? प्रियांशी बड़ी हो गई है ना, सब छू लेती हूँ बच्चे मन के सच्चे। खिचड़ी खाओ। क्या बाबू क्या बोल रहे हो? इधर प्रियांशी के लिए आ गया है खिचड़ी, ओट्स बनाई हूँ। खिचड़ी बोल रही है चले बटले पूरे बने, अब तो हम भी जाके खाएंगे। अब प्रियांशी हम भी चले, चलो ठीक है। फोन गिर गया था भाई, इतना छोटा बच्चा का आईफोन नाली में गिर गया है, अभी बता रही है अंजलि से। पापा ने निकाल दिया, पापा ने निकाल दिया, पापा ने निकाल दिए हैं। ठीक है अभी कहाँ है आईफोन? आईफोन कहाँ है? कौन से वाला जेब में है? पीछे वाले में। देखना कहाँ है जी, पीछे नहीं आपके पीछे वाले जेब में कहाँ है? अरे निताला भी नहीं है। अच्छा निताला नहीं है, ठीक है। घर पे जो पैंट है, अब देख रहे हैं छोटे बच्चे को कितना मतलब आईफोन पसंद है। भाई बाप रे इतनी छोटी सी है गुड़िया, पता नहीं कैसे इसको पता है कि आईफोन मेरे नाली में गिर गया था, पापा जी निकाल दिए हैं। होगा कोई धूम मचाले वाला ना, उसमें गाना बजता है प्रियंका जी? आईफोन में गाना बजता है? अच्छा आप कहाँ पढ़ते हो? उच्चुल। उच्चुल क्या होता है? अच्छा स्कूल आनंद वाली, आनंद वाड़ी में। आड़ी बाड़ी में नहीं पढ़ते यार कितना अच्छा बोल रही है ना ये वीडियो के माध्यम से। और वैसे तो बच्चे रहते हैं यहाँ पे तो बच्चे को जानती है, दीदी है, अंजलि दीदी है, लक्की भैया है, ललित भैया, ललित भैया को भी पहचान रही है ना? ललित भैया कहाँ है बाबू? कीर्तन में। कीर्तन में गए हैं किचन में। अच्छा कीर्तन में। आईफोन दिखाना ठीक है अंजलि दीदी को, ठीक है? मम्मी ढूंढ रही होगी ना, चले मम्मी के पास। तो देखिए प्रियांशी है मेरी छोटी सी गुड़िया, और आनंद कहाँ पढ़ती हो बाबू? कहाँ पढ़ती हो? आनंद बाड़ी में पढ़ती है भाई। और नाम क्या है? और मैम का नाम है मैम। अच्छा मैम का नाम है मैम, और आपका? प्रियांशी। प्रियांशी नाम है, और मैम का नाम है मैम। और भाई प्रियांशी के पास अभी समय नहीं है बात करने की, चले मम्मी के पास, फिर कल आओगी ना? अंजलि दीदी को पहचानती हो? अच्छा हमको हम कौन है? आंटी। आंटी अरे वाह, हम भले कह ही रहे हैं
मैंने प्रियांशी के जन्म हुआ होगा तो तब से मैं यहाँ आई नहीं हूँ, दो ढाई साल की है ना। हाँ, आ, कितना अच्छा बोल रही है, जैसे लग रहा है कि वीडियो के माध्यम से पहचान गई है मेरे को कि अंजलि दीदी की मम्मी है। हाँ, खिचड़ी नहीं खाओगी ना? छोले भटूरे बनाए इसलिए खिचड़ी नहीं खा रही है, तो चलो छोड़ दूँ ना, नहीं तो हमारे गली में ना नाली खुदा हुआ है ना बाबू, नाली को देख के जाती हूँ ना, पर नहीं डूबता ना नाली में है। हाँ चलो, तब नाली पार करा दूंगी, फिर मम्मी ढूंढ रही होंगी मम्मी ना। चलो ले चलते हैं भाई, जय कन्हैया लाल की। तो अंजलि दीदी से मिलने के लिए आई थी।